मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन पाक विस्थापितों को सिटीजनशिप अभी नहीं मिली है और जो लंबे वीजा पर यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास डायरेक्शन आया था सरकार लेवल से कि उनको भी आप खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं। तो अपने यहाँ पर 297 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लंबे वीज़ा पर आए हुए, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, उनको चिन्हित करके और उनको ढूंढ करके हमने सभी व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उनको उपलब्ध हमने करवाई है। हाँ, सभी SDM को हमने पाबंद किया। इसमें सबसे ज़्यादा लोग बाड़मेर के ही निवासी हैं। बाड़मेर के अलावा कुछ परिवार हैं जो सीयू में और कुछ परिवार चौटन में भी चिन्हित हुए हैं। बालोत्रा में भी कुछ एक परिवार है, तो उनको उनका सबका नाम और टेलीफोन नंबर हमारे पास है। उनको चिन्हित करके उनको जो खाद्य सामग्री का किट है, जिसमें आटा, दाल, जो एक तेल और कुछ मसाले वगैरह है, वो सब हमने प्रोवाइड किया है और भी आवश्यकता होने पर उनको वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। कोरोना वायरस को लेकर जो पाक विस्थापित जन की फाइलें नागरिकता के लिए लगी हुई है, प्रशासन के पास जिनका रिकॉर्ड है, उनके लिए राहत सामग्री कल से शुरू हुई है और कल 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक करीब 42% लोगों तक राहत सामग्री पहुंच चुकी थी। अभी भी वो कार्यक्रम चालू, मैं भी उनके साथ ही था, शहर और ग्रामीण दोनों के साथ रहा हूँ। करीब अभी तक हम 70% फैमिली तक पहुंच चुके हैं, शाम तक सभी फैमिली तक पहुंच जाएंगे राहत सामग्री लेके। ज़िले के अन्य हिस्सों में जैसे बाहर के जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण में, उन्होंने BDO साहब ने और कलेक्टर साहब ने आदेश दे रखे हैं, आगे भी जो BDO है या ग्राम सेवक है पटवारी उनको, और जो शहर के अंदर वो नगर परिषद के माध्यम से उनको वितरित किया जा रहा है। पीछे मॉनिटरिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है, सभी के पास करीब करीब लोग पहुँचे। मैंने भी कई लोगों से कॉल किया है और उन तक राहत सामग्री पहुँची भी है। राहत अभी जो स्थिति चल रही है उसमें सभी परिवार पाक विस्थापित, एक तो बेरोजगार क्वालिटी पहले से भी थे और अभी इस स्थिति में बिल्कुल घरों के अंदर बैठे हैं। जो कल से राहत सामग्री शुरू हुई है उससे उनके घर के चूल्हे भी जलने शुरू हुई है। पिछले कई दिनों से वो परेशान थे। राहत सामग्री में जो खाने का जो पैकेट है उसमें आटा और बाकी जो रसोई का जो होता है मसाला वगैरह वो सभी है। 5 kg आटा के रूप में दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इनको अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, इनकी नागरिकता फाइलें लगी हुई है, तो राशन कार्ड होने का सवाल ही नहीं है। भारत की मूल नागरिक नहीं है तो ऐसे डॉक्यूमेंट कहाँ से होगा।